न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट है उसने भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद एनवायरनमेंट को और ज़्यादा सीरियसली लिया, जो लोग हैं वो और ज़्यादा जागरूक हुए और उनके लिए मतलब कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरीके से लॉज बनाए गए। इन 1984 देयर वर वेरी फ्यू लॉज प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट इन इंडिया। तो 1984 से पहले बहुत ही कम ऐसे लॉज थे जो कि इंडिया में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात करते थे, जो पर्यावरण है उसको बचाने की बात करते थे। एंड देयर वॉज हार्डली एनी इन्फोर्समेंट ऑफ दीज लॉज। पहली बात तो जो लॉज थे वही बहुत कम थे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। दूसरी बात कि जो थोड़े बहुत लॉज थे भी उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट इन्फोर्स जो है सही से नहीं किया जा रहा था। द एनवायरनमेंट वॉज ट्रीटेड एज अ फ्री एंटिटी एंड एनी इंडस्ट्री कुड पल्यूट द एयर एंड वाटर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। तो उस टाइम पे क्या था कि जो एनवायरनमेंट है उसे एक फ्री एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाता था, मतलब कि एक ऐसे चीज की तरह समझा जाता था जो कि मुफ्त है और उसको जिस मर्जी तरीके से जितना मर्जी तुम यूज कर सकते हो। और जो इंडस्ट्रीज थी वो अपने बड़े ही आराम से जो एयर है उसको पॉल्यूट करती थी, जो वाटर है उसको पॉल्यूट करती थी, उनके ऊपर कोई ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। वेदर इट वॉज आर रिवर्स, एयर, ग्राउंड वाटर, द एनवायरनमेंट वॉज बींग पॉल्यूटेड एंड द हेल्थ ऑफ पीपल डिसरिगार्डेड। अब क्योंकि लॉज जो है वो बहुत ज्यादा नहीं थे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और जो लॉज थे वो सही से इम्प्लीमेंट हो भी नहीं रहे थे, तो जो इंडस्ट्रीज हैं वो बड़े मजे से बहुत सारे ऐसे काम कर रही थी जिनकी वजह से एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन हो रहा था। तो जो हमारे रिवर्स हैं, नदियां हैं, जो हमारी हवा है, जो ग्राउंड वाटर है, जो जमीन के नीचे का पानी है, ये सब बहुत ही बड़े लेवल पे पॉल्यूट हो रहा था, गंदा हो रहा था। और इन सबके साथ साथ जो लोगों की हेल्थ है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। अगर नदियों का पानी गंदा होगा, अगर एयर पॉल्यूटेड होगी, ग्राउंड वाटर पॉल्यूटेड होगा, तो ये सारी चीजें क्या है, ये सब तो हम इस्तेमाल करते हैं। लोग नदियों से पानी पीते हैं, हवा उसको तो हम सांस लेते हैं, राइट, ग्राउंड वाटर को लोग पीने के लिए यूज कर रहे हैं। तो अगर ये सब पॉल्यूटेड होगा तो लोगों की हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा खराब होगी। तो इस चीज पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। Thus, not only was UC a beneficiary of lower safety standards, it didn't have to spend any money to clean up the pollution. अब जो UC है, पहली बात तो वो लोअर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ही बड़ा फायदा उठा रही थी, बेनिफिट ले रही थी। इंडिया में वो आई क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है और यहाँ पे जो वर्कर है वो बहुत ही सस्ते में इन लोगों को मिल जाते हैं। तो UC यहाँ पे जो लो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है उनका बड़ा ही फायदा उठा रही थी। और इसके साथ साथ उसको जो भी वो पॉल्यूशन कर रही है उसको साफ करने के लिए भी उसको कोई पैसा जो है वो खर्च नहीं करना पड़ रहा था। In the USA, this is a necessary part of the production process. But अगर हम USA में देखें तो कोई भी production process है, मतलब कि अगर वहाँ पे government कहेगी कि तुम factory लगाने जा रहे हो तो government पूछे कि अच्छा तुम्हारी factory में क्या काम होगा, क्या वो pollute करेगी, तो company उसे पूरा बताएगी कि जी हाँ हम ये काम करने वाले हैं, इससे ये गंदगी फैलेगी। तो government कहेगी कि गंदगी तो फैला रहे हो पर तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसको साफ भी करोगे, तुम जो है इसके लिए responsible हो कि जो भी तुम कचरा फैलाओगे, जो भी तुम पॉल्यूशन करोगे, नदियों को गंदा कर रहे हो, या फिर जो भी तुम गंदगी फैलाओगे एनवायरनमेंट में उसको तुम्हें साफ भी करना है और ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा। तो यूएसए में ऐसा होता है बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया के तो सेफ्टी लॉज ही बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड हैं, बहुत ज्यादा जो है स्ट्रिक्ट नहीं है और जो थोड़े बहुत हैं उनको कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा सही से। तो इंडिया में ये सीन जो है बिल्कुल भी नहीं है। भोपाल डिजास्टर ब्रॉट द इशू ऑफ एनवायरनमेंट टू द फोरफ्रंट। और जब ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई तो लोगों के सामने एनवायरनमेंट का इशू भी निकल कर आया कि इस तरीके के जो एनवायरनमेंट हैं, जो कि इस तरीके के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरीके की चीजें बना रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा पॉइजनस हैं, जिससे कि एनवायरनमेंट में भी जो है पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये सब चीजों के बारे में लोगों को और ज्यादा जो है अवेयरनेस हुई, लोगों ने और ज्यादा सोचना स्टार्ट किया। तो ये जो इशू ऑफ एनवायरनमेंट है वो भी लोगों के सामने आकर खड़ा हुआ। Several thousands of persons who were not associated with the factory in any way were greatly affected because of the poisonous gases leaked from the plant. अब हजारों ऐसे लोग थे जिनका यूसी से कोई लेना देना नहीं था, ना ही वो वहां पे काम करते थे, ना ही उनका कोई मतलब नहीं था, मतलब कि यूसी के फैक्ट्री के आसपास उनके घर थे बट उनका यूसी से कोई लेना देना नहीं था, वो वहां पे काम नहीं करते थे। तो ऐसे लोग जिनका यूसी से कोई लेना देना नहीं था उनके साथ भी बहुत ज्यादा गलत हुआ, वो भी यूसी के गैस लीक की वजह से अफेक्ट हुए। अब जब गैस लीक होगी तो वो ये थोड़ी सोचेंगे कि ये पर्सन यूसी में काम करता है, मैं इसको अफेक्ट करती हूँ, ये बेचारे तो यूसी में काम करते ही नहीं, इनको मैं अफेक्ट नहीं करती, ऐसा थोड़ी होता है।
अगर कोई कंपनी जो है वो पॉल्यूशन कर रही है तो उसका जो अफेक्ट है वो सब पे होने वाला है, राइट। तो ऐसे लोग जो यूसी से कनेक्टेड नहीं थे उनके साथ भी जो है बहुत ज्यादा बुरा हुआ, वो भी अफेक्टेड हुए। तो सभी लोग जो है वो अफेक्ट हुए उस पॉइजनस गैस से जो कि यूसी से लीक हो रही थी। दिस मेड पीपल रियलाइज दैट द एग्जिस्टिंग लॉस दो वीक ओनली कवर्ड द इंडिविजुअल वर्कर्स एंड नॉट पर्संस हु माइट बी इंजर्ड ड्यू टू इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। तब लोगों ने ध्यान से ये समझा कि जो थोड़े बहुत लॉज हैं भी एनवायरमेंट वगैरह के बारे में और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बारे में भी, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल वर्कर को कवर कर रहे हैं। मतलब कि जो लॉज बने हुए हैं सेफ्टी से रिलेटेड वो वर्कर सेंट्रिक है, मतलब कि जो पर्सन उस कंपनी में काम कर रहा है, उस फैक्ट्री में जो काम कर रहा है उसकी सेफ्टी से रिलेटेड है। उन लोगों का क्या जो कि उस फैक्ट्री में या उस कंपनी में काम नहीं कर रहे बट उस कंपनी की वजह से अफेक्टेड जरूर हो रहे हैं, उन लोगों की सेफ्टी के बारे में तो कोई लॉस थे ही नहीं। इन रिस्पॉन्स टू दिस प्रेशर फ्रॉम एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट एंड अदर्स इन द ईयर्स फॉलोइंग द भोपाल गैस ट्रेजेडी, द इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड न्यू लॉज ऑन द एनवायरमेंट। अब जब जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं वो और ज्यादा अपनी आवाज उठाने लग गए तो जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर और ज्यादा प्रेशर पड़ने लगा, और फिर उसके बाद भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद जो गवर्नमेंट है उसने नए लॉस इंट्रोड्यूस किए इस प्रेशर में आके, और जो लॉस थे एनवायरमेंट से रिलेटेड कि अब जो हमारा पर्यावरण है उससे भी रिलेटेड हमें लॉस लाने होंगे, उसके जो सेफ्टी है उसको भी क्लीन रखने के बारे में हमें सोचना होगा। हैंस फोर्थ द पॉल्यूटर वॉज टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द डैमेज डन टू द एनवायरमेंट। और अब जब नए लॉज आए तो उनमें क्या हुआ, क्या कहा गया कि जो पॉल्यूटर है जो एनवायरमेंट को गंदा कर रहा है अब उसको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा, अब उसकी जिम्मेदारी होगी, अब उसकी जवाबदेही होगी कि तुमने पॉल्यूट क्यों किया। अगर तुमने पॉल्यूट किया है तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है इसको साफ करना, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके ऊपर जो है फाइन लगाया जाए। तो इस तरीके से अब कोई भी कंपनी, कोई भी जो इंडस्ट्री है अगर पॉल्यूट करेगी तो उसके ऊपर उंगली उठाई जाएगी, उसके ऊपर सवाल उठाए जाएंगे। द एनवायरमेंट इज समथिंग दैट पीपल ओवर जनरेशंस विल शेयर एंड इट कुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड मेयरली फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब जो हमारा एनवायरमेंट है उसी की वजह से हम लोग जो है जिंदा हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे, साफ एयर नहीं होगी, साफ पानी नहीं होगा तो हम लोग भी अपनी लाइफ जो है वो इमेजिन नहीं कर सकते, हम लोग नहीं जी पाएंगे। और एनवायरमेंट एक ऐसी चीज है जो कि हम ओवर जनरेशन, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग इसको शेयर करने वाले हैं, हम सब इसको यूज करने वाले हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज नहीं है जिसको कि हम सिर्फ किसी इंडस्ट्री की वजह से गंदा होने दें। एनवायरमेंट इसीलिए जरूरी है कि भले ही डेवलपमेंट है, तुम डेवलपमेंट के नाम पे तुम एनवायरमेंट को गंदा मत करो। डेवलपमेंट करनी है तुम्हें, इंडस्ट्रीज वगैरह बनानी है बनाओ, बट इस तरीके से करो कि जिससे जो एनवायरमेंट है वो पॉल्यूटेड ना हो। द कोर्ट्स ऑल्सो गेव अ नंबर ऑफ जजमेंट्स अपहोल्डिंग द राइट टू अ हेल्दी एनवायरमेंट एज इंट्रिंसिक टू द फंडामेंटल राइट टू लाइफ। और जो हमारा कोर्ट्स हैं, जो हमारे न्यायालय हैं, उन्होंने भी काफी बार ये जजमेंट्स दी हैं जिसमें कि फंडामेंटल राइट टू लाइफ के उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बताया है, पार्ट बताया है किसको, हेल्दी एनवायरनमेंट को। कि अगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें राइट टू लाइफ देता है, इसका मतलब कि हमें हक है कि हम जिंदा रहें। अब हम जिंदा कब रहेंगे, जब हमारा जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा रहेगा, जब हमें खाने पीने के लिए अच्छा मिलेगा, जब पानी अच्छा होगा, जब जो एनवायरनमेंट है हमें पॉल्यूशन फ्री मिलेगा, हेल्दी एनवायरनमेंट मिलेगा, तभी हम जी पाएंगे। तो इसीलिए बहुत सारे जजमेंट्स ऐसे निकल के आए जिन्होंने ये कहा कि हेल्दी एनवायरनमेंट जो है वो फंडामेंटल राइट टू लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू लाइफ इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इंक्लूड्स द राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर फॉर फुल एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। तो 1991 में जो सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 21 के अंडर हमें राइट टू लाइफ मिलता है, और राइट टू लाइफ का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या है, पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड फुल एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, कि हमें ये अधिकार है कि हमें पॉल्यूशन फ्री वाटर मिले ताकि हम अपनी जो जिंदगी है उसे अच्छे से जी पाए, राइट। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप लॉज एंड प्रोसीजर्स दैट कैन चेक पॉल्यूशन, क्लीन रिवर्स एंड इंट्रोड्यूस हैवी फाइंस फॉर दोज हु पॉल्यूट। इसीलिए गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरीके से लॉज बनाए, कानून बनाए, प्रोसीजर्स बनाए ताकि जो पॉल्यूशन है उसको चेक किया जा सके, उसको रोका जा सके। जो इंडस्ट्रीज पॉल्यूट कर रही हैं उनके लिए कानून लाए जाएं, उन पर रोक लगाई जाए, उनको कंट्रोल किया जाए।
जो रिवर्स वगैरह हैं उन्हें क्लीन किया जाए, साफ हो, जो भी उनमें पॉल्यूशन है, कोई गंदगी फैली हुई है, जैसे हम देखते हैं कि रिवर्स में बहुत सारे प्लास्टिक कचरा इस तरीके से बहुत सारा हमें देखने मिलता है। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो उसको क्लीन करे और जो भी लोग पॉल्यूट करते हैं उनके ऊपर फाइन भी लगाया जाए। अब हमें यहाँ पे एक और चीज समझनी है कि गवर्नमेंट की तो जिम्मेदारी है ही है कि वो इस तरीके से पॉल्यूशन वगैरह कम करवाए और रिवर्स वगैरह क्लीन करवाए, बट हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम ये ध्यान रखें। जैसे कोई गाड़ी चला रहे हैं हम, तो हम ये ध्यान रख सकते हैं ना कि हमारी गाड़ी जो है वो पॉल्यूशन फ्री हो, हम ऐसी गाड़ी ना चलाएं जो बहुत ज्यादा धुआं कर रही हो। इसी तरीके से अगर हम कुछ खा रहे हैं उसमें उसमें जो है वो कोई प्लास्टिक के पैकेट में था, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है ना कि हम उसको ऐसे ही सड़क पे ना फेंक दें, उसको ऐसे ही वाटर बॉडीज में ना फेंक दें, हम उसको लेके प्रॉपर कचरेदान में डाल सकते हैं ना। तो ये तो हमारी जिम्मेदारी हुई। तो जो सारी जिम्मेदारी है वो सिर्फ गवर्नमेंट की ही नहीं है, हमारी भी है। तो ये चीज हमें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि मैं ही क्यों करूं, मेरे ही करने से क्या हो जाएगा, अगर मैं अपना कचरा अपने कचरेदान में डाल दूंगा तो उससे क्या हो जाएगा, बाकी लोग तो सड़क पे डाल रहे हैं, आपको ऐसा नहीं सोचना। अगर सब लोग ये शुरू कर दें सोचना कि मेरे करने से बहुत कुछ हो जाएगा, तो एक्चुअल में बहुत कुछ हो जाएगा, मतलब कि चीजें जो है वो डिफरेंस दिखाने लगेंगी। तो हमें ये नहीं सोचना कि मेरे करने से क्या हो जाएगा, आपको ये समझना है कि हाँ मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं अपना करूंगा चाहे कोई और करे ना करे, राइट। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि कचरा जो है नहीं फैलाना। अगर आपके घर में कुछ ऐसा हो रहा है जो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन वगैरह करता है, तो आप अवॉइड करो उस चीज को यूज करना। जैसे कार वगैरह है वो पूल कर सकते हैं, अगर चार लोग सेम ही जगह पे जा रहे हैं तो क्यों वो अलग अलग चार कारों में जाए, वो लोग एक काम कर सकते हैं कि एक कार में सारे लोग बैठ के चले जाए, राइट। तो इस तरीके से बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम खुद यूज करके काफी फायदा पहुंचा सकते हैं पूरे एनवायरमेंट को, और अल्टीमेटली हम खुद को ही फायदा पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अगर एनवायरमेंट साफ नहीं होगा तो हम भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे।